भारत में करेंसी का इतिहास शानदार है क्योंकि इसे कॉइनेज सिस्टम शुरू करने वाली शुरुआती सिविलाइजेशंस में से एक माना जाता है। प्राचीन समय के काउरी शेल से लेकर पेपरकॉर्न्स, मेटल बार्स और दक्षिण के चोला राजाओं और पूर्व के अहोम राजाओं के खूबसूरती से बनाए सिक्कों तक, बीते वक्त में भारत में पैसे का रूप कई बार बदला है, लेकिन एक चीज जो कभी नहीं बदली वो है रुपया। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? रुपए का नाम संस्कृत शब्द रौप्य से लिया गया, जिसका मतलब होता है चांदी का सिक्का। कई सदियों के दौरान हुए बदलाव के बाद शेरशाह सूरी ने चांदी का एक सिक्का जारी किया, जिसे रुपया कहा गया, और यहीं से आधुनिक रुपए की शुरुआत हुई। 1949 में जाकर भारत में पहली बार करेंसी नोट छापा गया। ये एक रुपए का नोट था जिस पर लाइन कैपिटल को भी जगह दी गई थी। कई देशों की अपनी करेंसी की एक अलग निशानी होती है, लेकिन इंडिया के पास 2010 तक कोई करेंसी सिंबल नहीं था। उदय कुमार एक इंडियन डिजाइनर है जिन्होंने रुपए का साधारण लेकिन शानदार डिजाइन बनाने की पेशकश की। इस सिंबल को देवनागरी के र और रोमन के आर से लिया गया, बस वर्टिकल बार हटा लिया गया। ये पैरेलल लाइंस देख सकते हैं, ये दिखाते हैं नेशनल फ्लैग और इक्वल साइन को। इसे याद कर लीजिए क्योंकि इस फैक्ट से आप एक देशभक्त और समझदार इंसान दोनों लगेंगे। क्या आप जानते हैं कि इंडियन करेंसी नोट पेपर से नहीं बल्कि 100% कॉटन से बनता है? नोट के डिनोमिनेशन को 15 भाषाओं में लिखा जाता है और हर नए नोट पर अलग तस्वीरें होती हैं, जो इंडिया के कल्चरल हेरिटेज और इसके साइंटिफिक अचीवमेंट्स को दिखाती हैं। 2000 के नोट पर मंगलयान की तस्वीर है, वहीं 500 रुपए के नोट पर लाल किले की तस्वीर है। तो अब हिस्ट्री और ज्योग्राफी की किताबों की क्या जरूरत, जब आपको ये सारी जानकारी नोट पर ही मिल रही हो? एक और मजे की बात, सिक्कों पर इसके एड्रेस की स्टैंप लगी होती है। ध्यान से देखिए सिक्के के नीचे छोटे साइन को। डॉट का मतलब कि सिक्का नोएडा में बना, जबकि डायमंड का मतलब इसे मुंबई में बनाया गया। स्टार का मतलब है हैदराबाद और कोई निशान ना हो तो कोलकाता में बना है। हम अब डिजिटल मनी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि ई रुपी के आने के बाद भी रुपए का सदियों पुराना इतिहास कायम रहेगा और हमें याद दिलाएगा हिस्ट्री की, कल्चरल डाइवर्सिटी की, और ये भी कि परिवर्तन संसार का नियम है।